अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है ढाबा स्टाइल दाल माश, और वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल लिया है इसमें, और 3/4 कप अनियन लिया है। ये एक बड़ा साइज़ का अनियन था जो मैंने बारीक काट लिया था, तो उसको हमने ऑयल में डाल के फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट ना हो जाए, यानी वाइट कलर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, तो इस वक्त इसका कलर चेंज हो चुका है अनियन का। सॉरी, अब इसमें 1.5 यानी 1.5 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। और रिमेंबर के इस दाल में जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ी ज़्यादा जाती है। अब इसके साथ ही मैंने 1.5 टीस्पून कुटा हुआ यानी पाउडर धनिया और 1.5 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा साबुत डाला है, उसका पाउडर नहीं डाला। इन मसालों को आपने डाल के हल्का सा फ्राई करना है, और इसके साथ ही सबसे पहले हमने नमक डालना है इसमें। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। दो टीस्पून सॉल्ट डालने के बाद हमने इसमें 1/4 कप टमाटोज़ डालने हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट लिया था, और वो आपने इसमें डाल देने। और इसके अलावा अगर आपके पास प्यूरी है या टमाटो पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसका वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको टमाटरों को फ्रीज़ करने के 3 तरीके बताए हैं। अब इसके बाद टमाटर डालने के बाद हम 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसको हमने हिलाना है, मसालों को भूनना है थोड़ा सा। उसके बाद इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी डाल देना है ताकि ये मसाले जले ना और अच्छी तरह से भुन जाएं। क्वार्टर का पानी डालने के बाद ये इसको मैंने वैसे ही ढांप दिया है, बंद नहीं किया प्रेशर कुकर को। दूसरी तरफ दाल है जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी। ये 1 पाव दाल ली है माश की, तो इसको भिगो देना अपने पानी में। और अब ये 2 मिनट तक हमने इसको कवर करके रखा है, और इसके बाद इसको निकाल के उतार के हिलाना है। और ये देखें, इसके मसाले तो अभी वो पेस्ट नहीं बनी है प्याज और टमाटर के, और उसकी हमें पेस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको ऐसे ही हमने दाल को डाल देना है, और रिमेंबर के ये चूँकि हम खड़ी दाल पका रहे हैं और इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, तो इसलिए इसके लिए एक टिप है कि जब आपने दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता तो आप पहले दाल डालते हैं और दाल को ऑयल में फ्राई करते हैं। तो ये भी मसाले के अंदर हमने दाल में से पानी निकाल के उसको डाल दिया था, और अब इसको हमने इसमें भूनना है, और उस वक्त तक भूनना है कि जब तक कि ये देखें मैं इस तरह से इसको साइड पे कर रही हूँ दाल को, और ऑयल निकलता जा रहा है उसमें से। तो दिस इज़ द स्टेज कि जब हमने इसमें पानी डाल देना है। और इस दाल को प्रेशर कुकर में पकाने के लिए 8 मिनट का टाइम चाहिए होता है। तो 8 मिनट के लिए, जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि 8 मिनट के लिए हमें 1.5 ग्लास पानी डालना होता है, लेकिन दालें जो हैं वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसलिए मैं इसमें 1.5 और 1.5 यानी टोटल 3 ग्लास पानी डालूंगी। 1.5 ग्लास पानी जो होगा वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इसके पकने में, और बाकी 1.5 ग्लास में से 1 ग्लास ये एब्जॉर्ब कर लेगी और 1/2 ग्लास इसके अंदर रह जाएगा, जो कि मैं आपको उसके बाद बताऊंगी कि इसको क्या करना है। ये मैंने कुल मिला के 3 ग्लास पानी के इसमें डाल दिए हैं, और उसके बाद इस प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने बंद कर देना है, और उसको
पकने देना है 8 मिनट तक के लिए। जब इसका वेट हिलता रहे तो 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शेप बनती है। अब इसका 8 मिनट गुजर चुके हैं तो मैंने इसका वेट हटा दिया है, इसकी स्टीम निकल रही है। जब स्टीम अच्छी तरह से निकल जाए और इसका ये कील नीचे दब जाए तो फिर आपने इसको खोलना है। और ये देखें कितने अच्छी एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें रह गई है। बाकी इतनी ही हमें चाहिए थी, हमें ना इससे ज़्यादा ड्राई करनी थी और ना ही इससे ज़्यादा फ्लोई, और ये बहुत अच्छी गल चुकी है। तो अभी आपको ये ज़्यादा पानी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ जाएगा। इस वक्त फिर इसमें जिंजर है जूलियन कट और साथ में हरी मिर्चें। दाल जो है माश की वो बादी होती है, तो उसकी बादी को ख़त्म करने के लिए हम इसमें जिंजर ज़्यादा डालते हैं। तो आप भी ज़रूर डालिएगा, अगर आपको जूलियन कट पसंद नहीं है तो आप इसमें पीस के भी डाल सकते हैं, और आखिर में डालिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया पिसा हुआ, और उसके साथ ही मैं इसकी गार्निशिंग के लिए हैंडफुल ऑफ यानी काफ़ी सारा मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। इस स्टेज पर आप इसको नमक चेक कर सकते हैं, मैंने जो चेक किया था मुझे तो वो बिल्कुल परफेक्ट था मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। तो उसमें मुझे बिल्कुल भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इसमें धनिया डालने के बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फिर बता रही हूँ, फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इसको ऐसे ही हमने ऊपर से ढाँप देना है 5 मिनट के लिए। रिमेंबर, फ्लेम ऑफ़ करके आपने इसको ढाँप देना है 5 मिनट के लिए। अब ये देखें जी, 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसका जो काफ़ी सारा पानी था वो उसने जो बच गया था इसमें वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है दाल ने, और ऑयल ऊपर आ गया और बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर बन गया है। तो ये आप देख सकते हैं, देखने में ही काफ़ी मज़ेदार लगती है। हरी मिर्चें इसमें ज़रूर डालिएगा, अगर आपको ये वाली हरी मिर्चें पसंद नहीं है बारीक वाली, तो आप जो कश्मीरी मोटे साइज़ की जो हरी मिर्चें मिलती हैं वो डाल दीजिएगा, वो तेज़ नहीं होती। तो ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।